बड़े छात्रों, हम लगातार इस ई कंटेंट के अंदर केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने अर्थमेटिक मीन, उसके बाद में मीडिया और ये लास्ट जो मोड जिसे हम बहुलक कहते हैं उसकी चर्चा कर रहा था। कल भी मैंने आपको सदस्य श्रेणी के अंदर किस प्रकार से बहुलक को ज्ञान किया जाता है, साथ ही कभी कभी मध्यम मूल्य दे रखता है और बहुलक ज्ञात करना होता है, उसका भी मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से कल समझाया था। आज मैं ये अंतिम वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं इस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में, जिसमें अर्थमेटिक मीन, मीडियम और मॉड इन तीनों का समावेश कर ये अंतिम वीडियो आपके सामने पेश करूंगा। यहां पर एक उदाहरण दे रखा है, जैसे आए 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। हम इसके अंदर देखते हैं तो वर्ग के अंदर अंतर कितना है, तो अंतर जो हमारा I है वह 5 आता है। 5 से 10 में 5 का अंतर है, इसमें भी 5 का अंतर है, इसमें 5 का, इसमें भी 5 का, इसमें भी 5 का, इसमें भी 5 का और इसमें भी 5 का। व्यक्तियों की संख्या जो लिखी है वो 5, 15, 18, 22, 30, 10 और 20। अब यहां पर हम समांतर भाज्य की गणना करनी है, मध्य का भी गणना करनी है और बहुलक की गणना करनी है। सबसे पहले मैं यहां पर कुछ आपको समझाऊंगा कि बहुलक की गणना करने के पहले, बहुलक की गणना करनी हो तो सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि सबसे बड़ी सीरीज किसकी है। बड़ी सीरीज जो है या व्यक्तियों की जो संख्या है 25 से 30 की हमारा हो गया F1, इसके पूर्व का जो होगा हमारा F0 और इसके बाद वाला जो होगा हमारा F2। अब इसको हम टेबल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। पहले आज लिख दी मैंने 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। आवृत्ति 5, 15, 18, 22, 30, 10, 20, 20, इन सब का योग कितना होता है 120। अब हम यहां पर मध्य मूल्य निकालना होगा। मध्य मूल्य इसका होगा 7.5, क्योंकि 5 और 10 का मध्य मूल्य 7.5 है, 10 से 15 का मध्य मूल्य 12.5 है, 15 से 20 का मध्य मूल्य 17.5 है, 20 और 25 का मध्य मूल्य 22.5 है, 25 से 30 का मध्य मूल्य 27.5 है, 30 से 35 का 32.5 है और 35 से 40 का 37.5 है। अब यह हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा एक्स है। एफ का गुणा हम एक्स से लिख रहे हैं तो हमें fx प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि 5 का गुणा मैंने 7.5 से किया तो 37.5 आ गया, 15 का गुणा 12.5 से किया तो 187.5 आएगा, 18 का गुणा मैंने 17.5 से किया तो 315 प्राप्त हुए, 22 का गुणा 22.5 से किया तो 495 प्राप्त हुए, 30 का गुणा 27.5 से किया तो 825 प्राप्त हुए, 10 का गुणा 32.5 से किया तो 325 प्राप्त हुए और 20 का गुणा 37.5 से किया तो 750 प्राप्त हुए। इसके बाद हमने क्योंकि हम पर एक ही सवाल में तीनों चीजें निकाल ली है इसलिए मैंने तीनों को निकालकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब इसका CF देखते हैं। 5 के 5, 5 और 15 20, 20 और 18 38, 38 और 22 60, 60 और 30 90, 90 और 10 100, 100 और 20 120। ये हमारा CF है। क्यों CF की आवश्यकता होती है? क्योंकि मध्य का जब निकालते हैं तो CF की आवश्यकता होती है। लेकिन सबसे पहले मैं समांतर माध्य के बारे में बताऊंगा। समांतर माध्य का एक सूत्र जो है x बार इक्वल टू सिग्मा fx ओवर n, तो यहां पर fx दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ? f इनटू x
एफ इंटरेस्ट करना आवश्यक था, इसलिए मैंने यहाँ पर एफ एक्स दिया और एफ एक्स की जो टोटल हुई है वो 2935 है। 2935 है और एन जो है हमारे जो 120 है, तो सूत्र के माध्यम से सरल करने के लिए एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बनेगा। एफ एक्स हमारा 2935 है और एन 120 है, तो 2935 बटा 120 करते हैं तो यह एक्स बार हमारा 24.46 आता है। दूसरे नंबर पे हम मध्यिका को निकालते हैं। मध्यिका के लिए मध्यिका का सूत्र क्या है, एम इज इक्वल टू एन अपॉन टू। एन अपॉन टू एन हमारे कितने 120 है, 120 बटा 2 करेंगे तो 60वें पद का आकार प्राप्त हो जाएगा और 60वें पद का आकार यहाँ देखते हैं हम, 60वें पद का आकार, 60वें पद के आकार की जो सीरीज वर्गांतर की वर्ग की जो सीरीज है वह 20 है और ये 60 जो होगा 60वें पद का आकार जो प्राप्त होगा उसका एफ कितना है, 22 है। सूत्र के माध्यम से हम सरल करते हैं, एम इज इक्वल टू एल वन प्लस एम वन टू माइनस सी बटे इनटू आई। सी जो हमारा साठवें पद का आकार होगा उसके प्रूफ का जो सी एफ होगा वो हमारा सी कहलाता है, इसलिए 38 हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। अब देखते हैं एल वन को हमने 20 लिखा प्लस एन टू हमारा कितना आया था, 120 बटा 2 अर्थात 60 हुआ। इसके बाद ने लिया है माइनस सी अर्थात जो 60वां पद था उसके पूर्व का पद जो है वो 38 है, उसको 38 को लिखा हमने एफ हमारा जो फ्रीक्वेंसी है 60वें पद का जो आकार उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 22 है, तो हमने 22 को लिखा इंटू आई। वर्ग का जो अंतर है वो 5 का है तो हमने यहाँ पर 5 लिखा। सरल करेंगे हम, 20 प्लस 60 में से 38 को घटाते हैं तो 22 बटे 22 इंटू 5, 22 में 5 का गुणा करते हैं 110, 110 में 22 का भाग लगाते हैं तो 5, या सीधा कर सकते थे हम 22 को 22 से काट डालेंगे तो एक बार जाएगा और एक का गुणा 5 से करेंगे तो 5 हो जाएंगे। 20 और 5 को 25 को जोड़ देंगे तो ये 25 जो हमारा है वह एम होगा अर्थात मध्यिका होगी। इसी तरह से बहुलक की गणना करनी है, बहुलक के अंदर सूत्र मैंने बताया है कि z इज इक्वल टू l1 प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। यह हमारा सूत्र था, सूत्र नहीं लिखा तो लिख देता हूं, z इज इक्वल टू l1 प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। मैंने पूर्व में समझाया था जैसा कहे वैसा ही आपको देखना है। यहाँ पर l1 जो है हमारा जो f1 जो है f1 का जो निम्न वर्ग है वो 25 है तो मैंने 25 यहाँ पर लिख दिया। जिसके बाद में f1 जो दिया हुआ है f1 इसका 30 है, यहाँ पर देखिए आप 30 f1 है तो 30 लिखा। फिर उसके बाद माइनस f0 यहाँ 22 है तो मैंने 22 यहाँ पर लिखा। इसके बाद में नीचे की ओर देखते हैं तो 2f1 इंटू f1 हमारा कितना 30, तो 30 लिखा। माइनस f0 22 है और f2 10 है, इसका हम करते हैं सरल तो 30 में से 22 करते हैं तो 8 प्राप्त होते हैं और ये 2 का गुणा 30 से करते हैं तो 60 होते हैं और माइनस माइनस को हम जोड़ देते हैं तो 32 होते हैं। 60 में से 32 को घटाते हैं तो 28 हो जाते हैं, इंटू आई बराबर 5 का अंतर है। इसको हम सरल करेंगे, 25 का 25 प्लस 8 पंच 40, 40 बटे 28, 40 में 28 का भाग लगाते हैं 1.43 प्राप्त होता है। 1.43 को हम 25 से जोड़ देते हैं तो यह कुल 26.43 प्राप्त हुआ। इस तरह से जेड जो हमारा है वह 26.43 प्राप्त होगा। इस तरह से जो ही कंटेंट की जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप थे समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, जिसके बारे में मैंने आपको भलीभांति विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अधिक समझाने की कोशिश की है और कम से कम 15 से 18 वीडियो मैंने आपके सामने जो पेश किए हैं। धन्यवाद, आप सबने इसको समझा और समझेंगे, भविष्य में आपके उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद, मैं वसंत राम दोषी प्राध्यापक।
राहुल माई बागी द्वारा से आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। धन्यवाद।